राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों को चिंता और भय में डाल दिया है। दिल्ली में आए दिन रिकॉर्ड तोड़ कोविड के बढ़ते मामलों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली में काम करने वाले मजदूर और गरीब परिवारों को अपनी रोजी रोटी के संकट के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की भी चिंता सता रही है, जिसके चलते वे किसी भी कीमत पर दिल्ली से अपने गंतव्य, अपने गांव, अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं, जिसका भरपूर फायदा दिल्ली में चलने वाली अवैध ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा उठाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के बवाना में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये किस तरीके से अभी भी पूरी दिल्ली में कोरोना ने कहर मचा रखा है। और कोरोना के कहर से बचने के लिए सरकार अलग अलग गाइडलाइंस जो है वो बनाती है, क्या पब्लिक भी उन गाइडलाइंसों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको बवाना से दिखा रहे हैं। ये बवाना की जे कॉलोनी है, और जे कॉलोनी में किस तरीके से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल सीएम ने लोगों से आग्रह किया था कि आप कोरोना के नियमों की लगातार जो है वो पालना करें, अगर कोई भी कोरोना के नियमों की पालना नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि कैसे ये प्राइवेट अवैध बसें इन गरीब मजदूरों से किराए के नाम पर 2 से 3 गुना तक कीमत वसूल रहे हैं, और ये हर रोज बढ़ाई भी जा रही है। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि बस के अंदर या बाहर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े निर्देश जारी कर चुकी है। 30 के ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक देखकर नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। साफ है कि उन्होंने किसी कानून या नियम का कोई डर नहीं है। तस्वीरें बाहरी दिल्ली के बवाना जे कॉलोनी रोड के पास की है, और यहां से चंद कदमों की दूरी पर ही भोरगढ़ NIA थाना चौकी लगती है। फिर भी पुलिस वालों के नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से मजबूरी में अपने गंतव्य तक जाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आपका? मेरा नाम वरेंद्र खत्री भाई साहब। कैसे मास्क कैसे जा रहे हैं लोग भर भर के? ये लोग इधर जा रहे हैं, गलत चल रहा है काम, जो भी हो रहा है। एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना की महामारी चल रही है, घर घर में लसें उठ रही हैं, और ये लोग बसें भर भर के जा रहे हैं। सवारी से 1000 रुपए किसी का रेट है तो 2000 रुपए लिए जा रहे हैं बस वालों की। कितनी सवारी होगी लगभग इस बस के अंदर? इस बस के अंदर जनाब ज्यादा नहीं, 100 के आसपास सवारी। यहाँ तमाम नियम कायदों की अनदेखी की जा रही है। जब यह मामला DSP आउटर नॉर्थ राजीव रंजन के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई करने की बात कहते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को अवैध रूप से बने इस बस स्टैंड पर भेज दिया गया। अब आप ही सुन लीजिए कि कैसे ये बस वाले इन गरीब मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए इन गरीब मजदूरों की कहानी इन्हीं की जुबानी। क्यों लिया गया? अब सर 2000 रुपए मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा सर, जाना जरूरी है मजबूरी में, त्यहाँ मर जाएंगे। आपने 2000 रुपए दिए? 2000 रुपए किराया दिए। कहाँ जा रहे हो? मोहम्मदपुर जा रहे हैं। मोहम्मदपुर जा रहे हैं, गोपालगंज। अच्छा, वहीं पे। तो देखिए किस तरीके से लोगों से, आम जनता जो है उनसे जो है वो डबल पैसे भी लिए जाते हैं, डबल किराया भी वसूला जाता है, और उनको बीमारी के कुएं में भी धकेला जा रहा है। कहाँ है पुलिस प्रशासन? दिल्ली से सन्नी के साथ सहयोगी सोनू की रिपोर्ट।